अपनी कुर्सी लेके इधर आ जाइए, कुर्सी लेकर के आ जाइए। तो आपको गांव में लोग कैसे पहचानते हैं? कैसे विशेष जैसे सबको मालूम है घूमती फिरती बैंक है, हैं? कैसे सम्मान मिलता है, मतलब क्या होता है, एक 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 बताइए। ब्लॉक सलामपुर ब्लॉक से है और हमारा गांव 8 किलोमीटर दूर है वहां से, और जब वहां पर बुजुर्ग जो ज़ईफ लोग हैं तो उनसे चला नहीं जाता, तो फिर हम उन्हीं के घर जाके पैसे निकाल के आते हैं और फिर वहाँ पर दुआएं देते हैं। तो हम ये कहते हैं, मैंने कहा हमें मत दो, हमारे प्रधानमंत्री जी को दो। और किसका क्या अनुभव है सर? हाँ बताइए। बहुत ही मान और सम्मान मिला है NRLM से जुड़ने के बाद, हम इसमें इस पद पे कार्य कर रहे हैं जिससे गांव में हमें बैंक दीदी के नाम से सम्मानित किया जाता है। अब कोई भी दीदी बैंक में जाने के लिए परेशान नहीं होती, सारे काम हम उनके गांव में ही निपटा देते हैं। आप लोगों को मिलने जाते हैं कि लोग आपको ढूंढते हैं, कैसे करते हैं जब जाते हैं, पहले क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, मुझे समझाइए। जैसे मैं हूँ और मुझे आप लोग सेवा दे रहे हैं तो कैसे करेंगे, क्या परेशानी है, कैश निकलवाना है या जमा कराना है, फिर वो अपने बताते हैं, फिर उनसे उनका आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड से निकलवाना है तो आधार कार्ड डालते हैं, बैंक का नाम लेके और फिर उससे पूछते हैं कस्टमर से कितना अमाउंट निकलवाना है, फिर फिंगरप्रिंट्स लगा के उनको निकलवा के और उनको अमाउंट बता देते हैं कि इतना आपका अमाउंट बच जाए। अच्छा, उनको नोट अगर गिनना नहीं आता है तो कैसे मदद? मैं एक-एक नोट उन्हें गिनवा के देती हूँ, बता देती हूँ, नहीं मांगे तो मैं एक-एक नोट चीज जानकारी देती हूँ। किसी सबसे वृद्ध व्यक्ति को जिसने सबसे ज्यादा मदद की, ऐसा कौन है आप में से? एकदम आखिर में बताइए। हाँ ताई जी, आपको अम्मा जी बुला रही हूँ, उनके पास जाते हूँ। माँ जी तुम बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है? तो लोगों को भरोसा है कि आपको पैसा दिया, मतलब बैंक में गया। अच्छा, गांव में तो महिलाओं को अपनी साड़ी के ऊपर पैसा बांधने की आदत है, या तो फिर अपने किचन में अनाज जो है उसी में पैसे डालते रखते हैं, उनको क्या लगता है? सर वो जमा करते हैं, जमा करते हैं। और सर हमारे यहाँ एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो बोलते थे कि हम बैंक जाते हैं तो सिर्फ झगड़ा होता है। मैंने पूछा कि बाबा आपका झगड़ा होता क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मेरा झगड़ा इसलिए हो जाता है कि हम बैंक में कहते हैं मेरा कैश जमा कर दो, तो बोलते तुम्हारा खाता ही बंद हो जाता है। तो हमने कहा कि आप अपना खाता नंबर दीजिए, आधार आपका हम लगाएंगे, आपका अकाउंट हम चालू कराएंगे और आज से आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर उनका जो है, अगर धान बेचे या गेहूँ, वो बनिया के पास हमेशा रहता था, लेकिन सर आज वो मुझे 50,000 ला के देते हैं, बोलते बेटा ये लो तुम बांटो, और हमारा जो सर हमारे ओडी में चला जाता है और हम क्या करते हैं ओडी से ले जा करके उनके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। सर एक मेरी तो बचत हो गई कि बैंक कम जाना पड़ा। 50,000 रुपया आप लेकर के जाती है, आपको हिम्मत डर है? डर सर जी, मैं सर मैं 50,000 नहीं, मेरा डेली का ट्रांजेक्शन सर इस टाइम 2.5 से 3 लाख है, मेरे पास एनी टाइम 1-1.5 लाख अमाउंट मैं रखती हूँ। आप नाम आपका? सर नीतू मौर्य, मैं डी ब्लॉक से हूँ। बैंक वाले भी खुश होते होंगे कि उनका कारोबार आप कर रहे हैं। सर मेरे गांव से करीब क्या नाम है बैंक 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसलिए काफी लोगों को जाने में दिक्कत होती है सर। तो हमने जब बैंक की उनको सुविधाएं दी तो वो लोग हम लोग से बहुत खुश हुए और काफी हमको आशीर्वाद भी दिया कि उनको जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए सर। और सर जब हमने ट्रेनिंग लिया था तो हमारे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, और ये मेरा बच्चा उस टाइम जब हमने ट्रेनिंग लिया तो ये 9वां महीना चला था प्रेगनेंसी का। सर हमने 8-10 दिन बाद से अपना वो ट्रेनिंग चालू किया, 8 को मेरा पेपर हुआ, 9 को हम घर पे आए, उसके बाद में 11 तारीख को मेरा बेबी हुआ, फिर हमने अप्रैल से ज्वाइन किया इसको, फिर हमने 1 करोड़ का लगभग ट्रांजेक्शन किया है, उसमें हमको 24,000 का कमीशन अर्जित किया गया। अच्छा, बैंक सखी बनने से पहले क्या करते थे आप? खाना पकाते थे। सर मैंने पहले जब मैंने बैंक में काम नहीं करती थी सर, मैंने खाना बनाती थी और मेरा उतना इज्जत सम्मान नहीं था जितना मुझे अब बढ़ा है। हमारे गांव में
जब से सभी लोग जान गए कि ये बैंक खोली है, मैंने सबसे बताई हूँ। हमारे गांव में जितनी बुजुर्ग महिला हैं, विकलांग महिला हैं, जितनी बीमार महिला हैं, जो ऐसे महिला जो लोग हैं, मैं उनके घर जा करके खाता भी खोलती हूँ और पैसा भी लेन देन करती हूँ। हमारे कार्ड से वो लोग बहुत खुश हैं सर, खुशी मिली है। जमा किया और जब बैंक वालों को दिया और कम पड़ गया, गिनती में गड़बड़ हो गई, तो क्या करते हैं सर? ऐसा होता है, तीन बार गिनते हैं, चार बार गिनते हैं। बहनों का ऐसा होता है, जब भी उनको काम का मौका मिलता है वो अद्भुत करके दिखाती है। चलिए, आपको मेरी बहुत बहुत बधाई। हमारा नमस्कार सभी बहनों की तरफ से। थोड़े इधर को आ जा सकते हैं आप और पास में ले लीजिए, और पास में ले लीजिए। हाँ बताइए अपना अनुभव। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मैं उन्नाव बीघापुर से हूँ, टीएचआर प्लांट में। मेरा नाम अन्ना देवी है, मैं कोषा अध्यक्ष हूँ। कितने समय से कर रही हैं आप? सर, ये हमारा अप्रैल में शुरू हुआ, अप्रैल 2021 से। अच्छा। जी सर। तो ये कोरोना काल में तकलीफ नहीं आई कोई? सर नहीं, कोई तकलीफ नहीं सर, करते हैं। हम लोग घर में रहते थे, कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर और बच्चों का ऐसा काम कर पाएंगे। और सरकार की योजना थी कि हम लोग उससे, हमारे पास हम लोग तक आई और हम लोग उसका जुड़कर एक यूनिट स्थापित हुआ, जिसमें हम 20 दीदी काम करते हैं और 20 दीदियों की आजीविका भी चल रही है और बाहर भी निकलने लगे हैं। और सम्मान भी घर में भी मिलता है और बाहर भी मिलता है सर। आपको लगता है कि अगर ये कुपोषण है जी, जी, तो उसके कारण बच्चों के विकास में बड़ी कठिनाई होती है जी, बेटियों के विकास में कठिनाई होती है जी सर। तो अब आपको इसका ज्ञान हुआ है कि भाई कुपोषण नहीं होना चाहिए जी, हाँ जी सर। तो औरों को समझाते हैं क्या? जी सर, जी सर, बताते हैं। नहीं, जो 12, 13, 14 साल की बेटियां हैं उनको समझाते हैं क्या? जी सर। हैं? वो बेटियां तंदुरुस्त होनी चाहिए जी सर। अगर वो बेटी तंदुरुस्त नहीं है और अगर वो माँ बनती है तो बच्चा भी तंदुरुस्त नहीं होता है जी सर। तो जीवन भर उसको मुसीबत झेलनी पड़ती है जी, जी। तो ये चीजें समझाते हैं आप? जी सर। लोग सीखने का प्रयास करते हैं आपसे, समझने का प्रयास? जी सर, सीखने का प्रयास करते हैं सर। हाँ। जी सर, पहले से बहुत अच्छा, मतलब बदलाव भी हुआ है। पहले जो था उससे, हाँ बताइए, जो पहले मतलब पुष्टाहार आता था उससे क्या कहते हैं, बहुत अच्छा वो हुआ है। सब लोग कहते भी हैं कि आप जो बनाती हैं उसमें जो रॉ मटेरियल डाला जाता है उससे उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और हमारे बच्चे स्वाद से उसको खाते भी हैं। और वह हम लोग जो उसकी साफ सफाई और हर चीज की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उसको बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे खाएंगे, जैसे हमारे बच्चे हैं वो भी तो हमारे ही बच्चे हैं, तो हमको उनके स्वास्थ्य को ध्यान में देख कर उसको बनाया जाता है। हमारी जो महिलाएं प्लांट में काम करती हैं और वो सब भी बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई से अच्छे से हम पूर्ण गुणवत्ता के साथ हम पोष्टाहार को बनाते हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में हम आजीविका एक्सप्रेस के से हम महिलाएं स्वयं आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटते हैं। कितने घंटे काम करना पड़ता है? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, और लोगों का मन करता है आपके साथ आकर के काम करने का? लोग कहते हैं कि हमको जुड़ना है। महिलाएं जितनी है ना, वो होती हैं कि हम लोग भी बाहर चलें और काम करें। आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरी फ्रेंडे हैं वो बहुत मुझसे कहती हैं कि बहन मुझको भी लगा लो, मुझको भी लगा लो। आप लोगों ने अच्छा किया, इसके कारण अब और जगह पे करने की हिम्मत आई हमारी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सबका। नमस्ते। ये छोटी छोटी बच्ची आ जाइए, सब जरा अपना अनुभव बताइए क्या क्या हुआ है। इस योजना से हमें बहुत लाभ हुआ है। हाँ। पढ़ाई में हमें सहायता मिली है। अच्छा, पढ़ाई में मन लगता है? बहुत। तो अभी तो स्कूल बंद थी, तो क्या करते थे? मैं ऑनलाइन पढ़ाई। तो अब आ गया है ऑनलाइन? तो अब ज्यादा ऑनलाइन अच्छा लगता है कि स्कूल जाना अच्छा लगता है? स्कूल जाना अच्छा लगता है।
फिर स्कूल जाएंगे तो भी ऑनलाइन पढ़ना चालू रखेंगे, नई नई चीजें पढ़ सकते हैं, है? पढ़ सकते हैं ना। ये ऐसी योजना है जो बेटियों के लिए बहुत बड़ा संबल है। जब बेटी 18-20 साल की होगी, जब कॉलेज जाना होगा, तो घर को लोगों को लगेगा भाई अब तो इसके पास पैसे हैं, हम उसको देते हैं, ये लगेगा उसको। सर आपने जो किया है ऐसा तो अभी कोई नहीं किया, बहुत सहयोग करते हैं बेटियों को, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है, इसके अलावा और क्या चाहिए बेटियों को। बहुत हम लोगों का हिम्मत हुआ जो आगे हम लोग बढ़ा पाएंगे इसके। बेटी पढ़ाने का जन्म से है तो भाई अभी भी है, उसके आगे भी पढ़ाई लिखाई में सब में भाई हम लोग को सुविधा है। बस ऐसे ही आप बेटियों के विषय में सोचते रहें और बेटी भी आगे बढ़े। कुछ भी हो जाए बेटी को पढ़ाना चाहिए।